तो गाइस बोल्टन पे आज मैं दोबारा से आ गया हूँ। अब बोल्टन ने हर किसी के लिए ट्राईसाइकिल भी निकाल दी है और अब ये देख सकते हैं सारी इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल्स हैं। तो आज मेरे साथ है, आज हम लोगों की खुशकिस्मती है कि हमारे साथ आज कुशाल सर भी है, जिनसे हम ये जानेंगे कि ये ट्राईसाइकिल क्यों निकाली है, इनके पीछे क्या क्या फीचर्स हमारे को मिलेंगे, क्या रेंज होने वाली है, कितना कितना इस ट्राईसाइकिल का प्राइस होने वाला है। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये सारी जो ट्राईसाइकिल्स हैं आपको हर किसी नाम के लिए मिलेगी। अब तो ई रिक्शा बोलेगी तो आपको यहाँ पे ई रिक्शा मिलेगा, अगर आपको एक लोडर चाहिए तो एक लोडर भी है, और अगर आपको एक बॉक्स वाला ई रिक्शा चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। मीन्स आपको यहाँ पे सारे चीजों का सोल्यूशन मिल रहेगा। सो हाय प्रशांत सर, वेलकम टू द चैनल। तो देखना काफी वाइड रेंज निकालती है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये वाली साइकिल से, ये ट्राईसाइकिल सर, सॉरी। तो ये जो ट्राईसाइकिल है सर, इसके बारे में फीचर्स बताइए। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे आपने एक बाइक का सस्पेंशन जो है वो यूज किया है, तो बताएंगे इस गाड़ी के बारे में कुछ फीचर्स के बारे में। इसमें देखिए अभी क्या है, अभी जितने भी व्हीकल्स चल रहे हैं इलेक्ट्रिक, वो सब की स्टैंडर्ड कैटेगरी के व्हीकल्स, तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन भी चाहिए होता है, लाइसेंस भी चाहिए। ठीक है, ये जितनी भी हमने बनाई है ये सारी चीजें, ये सारी की सारी ट्राईसाइकिल की कैटेगरी बात, तो कॉन्सिक्वेंटली इसमें रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की जरूरत नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, कोई लाइसेंस की और लाइसेंस। तो गाइस यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये भी काफी बेनिफिशियरी बात हो जाती है कि यहाँ पे आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना लाइसेंस की जरूरत है ना रजिस्ट्रेशन की, तो आपको कहीं ना कहीं आपकी जो हार्ड इनकम है वो सेव हो जाती है। इसके बाद सर ये देख भी पा रहा हूँ कि सर ये जो रिक्शा है इसमें सीट काफी आपने वाइड दिए, मैं सिंगल सीटिंग के साथ साथ दो बंदे भी आराम से इस पे बैठ सकते हैं, और यहाँ पे काफी अच्छा यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है कि अगर मैं सामान कोई भी लोड करने चाहूँ तो यहाँ पे मैं लोड कर सकता हूँ, और इवन अगर मैं अपनी एक छोटी सी दुकान चाहूँ, जैसे कि आपने लास्ट मेरे को बताया था, एक छोटी सी दुकान भी मैं इस पे लगा सकता हूँ। लाइक आप लोगों ने काफी सारे देखे होंगे, राजमा चावल या फिर मोमोज या फिर ऑमलेट लगाते हैं, तो वो इजीली इसमें लगा सकते हैं और अपनी जो दुकान है उसे इजीली लेके आ जा सकते हैं और कहीं पे भी लगा सकते हैं, तो ये भी हो जाता है। और इसके साथ साथ आप इसमें कोई भी लोडिंग का काम भी कर सकते हैं क्योंकि ये काफी अच्छा बॉक्स दिया गया। इसके अलावा इसमें और क्या क्या फीचर्स आपको मिलेंगे? देखो इसमें आप देखोगे ये सस्पेंशन जो है, बिकॉज ये व्हीकल ऐसा व्हीकल है, ये सारे व्हीकल जिनको जिनकी यूटिलिटी सिर्फ मेट्रो सिटी में नहीं रहने वाली, तो कॉन्सिक्वेंटली हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम रिजिड रिक्शा वाला सस्पेंशन ही रख लें, ठीक है, नॉर्मल चलता है, या तो हम एक प्रॉपर सस्पेंशन लगाए। तो हमने अभी चोज के हम प्रॉपर सस्पेंशन लगाए ताकि जो राइडर है उसको कंफर्ट, और ये जो सस्पेंशन लगा हुआ है ये सस्पेंशन एंड्योरेंस कंपनी का ब्रांडेड सस्पेंशन, इसका जो रिम है वो रिम भी एंड्योरेंस। और इसके अलावा इसमें आप एक चीज और अगर नोटिस करोगे तो ये आगे का चक्का जो है ये थोड़ा बड़ा है इन सब में, और पीछे का चक्का थोड़ा छोटा है कम्पेयर टू, ठीक है, ये जो टायर हमने लगाया है 20x3 का टायर है। अच्छा, 20x3 का टायर लगाया है, और पीछे में 16x2.25 का। इसका भी एक कारण है, कारण क्या है कि अगर आप पीछे का पोर्शन नीचे रखते तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वो जमीन के पास, तो ये व्हीकल पूरा का पूरा बहुत स्टेबल है। मीन्स इस पूरी ट्राईसाइकिल से एक काफी अच्छी इंजीनियरिंग जो है वो लगी हुई है, और शायद इसी वजह से गवर्नमेंट ने इसे बहुत क्लीन अपने पैसों पे पेटेंट कर रखा है, जो कि काफी बड़ी बात हो जाती है। अच्छा, यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ पे मेरे पास पैडल भी है और इसमें मोटर भी लगा रखी है, तो उसमें मेरे को पैडल असिस्ट भी मिलेगी। अच्छा, बात करो जरा मोटर की, तो इसमें मोटर कितने होने वाली है? मोटर 750 वाट्स की BLDC मोटर है, ओके, 48 बैटरी होती है वो काफी ज्यादा सेफ होती है क्योंकि उसमें कोई भी फायर इंसिडेंट आपको देखने नहीं मिलेगा, और यही सेम चीज इसमें साइकिल्स में भी यूज करेगी, इन सारी ट्राई साइकिल्स में यूज करेगी। तो इसमें कितनी इलेक्ट्रिक बैटरी यूज की है? इलेक्ट्रिक सिंगल बैटरी होती है, पावर होगा 36 AH की बैटरी है जो आप स्टार्टिंग। इसमें एक तो मेंटेनेंस का कॉस्ट, इसको ठीक कराने के लिए किसी भी साइकिल वाले पे खड़ा कर दो, वो अगर गड़बड़ है तो ठीक कर दे, जैसे हमारी पूरी में इसका कोई टर्न अराउंड टाइम नहीं है। अगर ई रिक्शा खराब हो गई आप किसी के पास ले गए, वो कम से कम 1 से 2 दिन लगा देता है ठीक करने में, उसमें टाइम आप काम भी नहीं।
तो बोला कि ये आपने बहुत ये आपने बहुत मस्त जुगाड़ बनाया। अगर इसके बाद बढ़ते हैं हमने दूसरे ट्राईसाइकिल की तरफ पे, तो देख पा रहा हूँ यहाँ पे सर मेरे ख्याल से इसका जो मैकेनिज्म है या इसके पीछे की इंजीनियरिंग है वो बिल्कुल सेम है, यहाँ पे केवल हमारे को ये जो बॉक्स है वो मिल जाता है। तो इसकी भी जो रेंज है वो हमारे को 50-60 किलोमीटर पे लेगी। बात करो अगर मोटर की तो मिड्रा ही मोटर होगी, बाकी सारी चीजें हमारी सेम है। मतलब ये अगर मैं ट्राईसाइकिल देखो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव जो लग रही है वो ये ट्राईसाइकिल लग रही है। ये जो ई रिक्शा जो चलते हैं ठीक है वो मैंने देखा है काफी लोग जो है ई रिक्शे से गिर जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपने जो इसके पीछे की इंजीनियरिंग बताई है उसके कारण ये ट्राईसाइकिल जो है वो काफी ज्यादा सेफ हो जाता है। मैं देख ही पा रहा हूँ कि यहाँ पे 3 लोग या नहीं 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं। तो सर ये भी बिल्कुल सेम मैकेनिज्म पे बना हुआ है और इसकी भी रेंज जो है वो सेम रहती है और एक ही सेम लोडर टाइप का आ जाता है। अच्छा अब सर जो फाइनल बात आती है वो आ जाती है हमारी प्राइसिंग के ऊपर और इसकी क्या नाम है डिलीवरीज के ऊपर। तो अगर मैं मेरे जो व्यूअर्स हैं वो ये जानना चाहेंगे कि इनकी डिलीवरीज जो है वो पैन इंडिया अवेलेबल है, पैन इंडिया जो अवेलेबल है, और अगर बात करूँ इनकी प्राइसिंग की तो इनकी प्राइसिंग कितनी होने वाली है। अगर मैं बात करूँ डिफॉल्ट फीचर के लिए तो गाइस ध्यान देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि आप रेड एसेट का अगर रिक्शा खरीदते हैं जिसकी मैक्सिमम आपको अगर कोई वारंटी देगा भी तो 1 साल की देगा, तो यहाँ लेकिन आपको डबल मिली है, 2 साल की वारंटी मिली है। और उससे भी सबसे बड़ी बात क्या है, 2 साल की तो गारंटी दे रहे हैं, बैटरी की लाइफ 5 साल की होती है। ओके ठीक है, जिसको अभी हम नहीं फैक्टर इन कर, ओके ठीक है, अगर वो बैटरी 3 साल में चल गई तो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बनने का और ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, तो द पर्पस फॉर दैट, अब जैसे ये रिक्शा है तो बोल्ट ऑन रिंग और इसका जो प्राइस हमने रखा जैसे 3 सीटर, ठीक है, प्राइस 7999 विच इज एक्स वर्क के ऊपर में GST और ट्रांसपोर्ट और हमारी टाई अप हो गई है GST के साथ और राजी एन FPI। तो यहाँ पे हमारे को फाइनेंस भी मिल जाएगा। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं एक तो इसकी कॉस्ट इतनी कम है, दूसरी यहाँ पे आपको फाइनेंस भी मिल जाएगा। बेस आपको कोई भी बाहरी महंगे ई रिक्शे लेने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे लेके एक बहुत कम प्राइस पे अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सर एक एक करके मैं सबके प्राइस जानना चाहूंगा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वाले के साथ। ये भी 7999 का। ओके तो ये सेम बॉक्स भी हमारे को मिलेगा। जी अच्छा, और ये भी हमारा जो है 7999। ये हमारे पूरा ई रिक्शा मतलब कल से काम स्टार्ट यहाँ पे ई रिक्शा से। अच्छा ये बॉक्स वाला ये वाला 9999 का। ओके ये सिर्फ बॉक्स के साथ हमारे को मिलेगा, इसमें भी हमारे साइलेंट की बैटरी मिलेगी। अच्छा और ये बात करो ये वाला जो है ये 8499। ओके तो ये गाइस आप लोगों ने इन सब ट्राईसाइकल्स की जो प्राइसेस है वो देखी है और सब पे मैंने आप लोगों को बताया कि जो रेंज है वो कस्टमाइजेबल है, कि आप अपने अकॉर्डिंगली जो रेंज है इनकी कस्टमाइज कर सकते हैं और सब में मिड ड्राइव मोटर दी गई है, सब में इलेक्ट्रिक बैटरी दी गई है जो कि काफी ज्यादा सेफ रहती है। अब इस बॉल्टन की डिटेल जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप कंपनी को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैं प्रशांत सर का नंबर दे दूंगा, आप प्रशांत सर को कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, इन्हें परेशान कर सकते हैं ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरे से कोई भी क्वेरी हो इन किसी भी ई रिक्शे को लेके या किसी भी ट्राईसाइकिल को लेके आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को इस तरह के इलेक्ट्रिक साइकिल इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रिक बाइक्स की वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर।